तो वहीं कांग्रेस के ब्लैक पेपर पर बोले रविशंकर प्रसाद, काले कारनामों को छिपाने के लिए ब्लैक पेपर, कांग्रेस के कार्यकाल में केवल भ्रष्टाचार हुए हैं, आज देश के किसान युवा सभी खुश हैं। रविशंकर प्रसाद की तरफ से ये रिएक्शन आया है। बीजेपी के वरिष्ठ सांसद और नेता रविशंकर प्रसाद मेरे साथ है। रविशंकर जी, कांग्रेस पार्टी आप लोगों के व्हाइट पेपर के खिलाफ अब ब्लैक पेपर लेकर आ रहे हैं, अपने ब्लैक डेट को छुपाने के लिए ब्लैक पेपर ला रहे हैं। आज व्हाइट पेपर आ रहा है, उनकी सारी सच्चाई सामने आ रही है। देश का क्या कबाड़ा किया कांग्रेस पार्टी ने, भ्रष्टाचार चरम उत्कर्ष पर था। याद है ना, 2G घोटाला, कोयला घोटाला, सबमरीन घोटाला, आदर्श घोटाला, कमल घोटाला। ये हाल था कि लोगों ने पूंजी निवेश करना बंद कर दिया था, फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी, पॉलिसी पैरालिसिस। वहां से भारत आज कहां पहुंचा है, सीधा बैंकों में पैसे जाते हैं, 10 करोड़ फेक लोगों को निकाला गया है। आज किसान को सबसे अधिक सहयोग मिलता है, सड़कें बन रही हैं, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, डिजिटल इकोनॉमी बढ़ रही है। हम उनकी परेशानी समझते हैं। भारत दुनिया की 5वीं इकोनॉमी बन गया और जल्दी ही 3री बनने वाला है। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर भी आप लोगों की सरकार को घेरा कांग्रेस पार्टी क्या बोलती है, उनके समय महंगाई डबल डिजिट थी ना। आप मुझे बताइए, जरा पढ़ लेते प्रधानमंत्री के भाषण को लोकसभा में, लगभग 17-18 करोड़ इंप्लॉई प्रोविडेंट फंड में रजिस्टर हुए हैं कि नहीं, डिजिटल इकोनॉमी बढ़े हैं कि नहीं, सड़कें बन रही हैं कि नहीं, मोबाइल में भारत दुनिया में सेकंड पहुंचा है कि नहीं, और दैनिक प्रगति बढ़ रही है कि नहीं, तो इससे लोगों को नौकरी का अवसर मिल रहे हैं कि नहीं, रोजगार का अवसर मिल रहे हैं कि नहीं, लाखों की संख्या में सरकारी नौकरी दी गई है। तो ये तो सिर्फ केंद्र सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन जब भारत की आर्थिक व्यवस्था अच्छी होगी तो पूंजी निवेश होगा तो गाड़ी आगे बढ़ेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के बारे में क्या कहा जाए, खीजे हुए, हताश, हारे हुए लोग आरोप लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। अपने अंदर गिरेबान में झांक कर देखो कि यह कहां पहुंच गया। प्रधानमंत्री पर देश को बरगलाने और उनके ओबीसी होने पर भी संदेह पैदा किया है। अब इससे बेबुनियाद बात कोई हो सकती है, कोई जवाब दिया जाए इसका? देश के गरीब, देश के ओबीसी मानते हैं कि प्रधानमंत्री के वर्ग के हैं, वो प्रधानमंत्री सबकी चिंता करते हैं, सबका साथ सबका विकास, तो उनको बोलने दीजिए ना। सुना राहुल गांधी बोले हैं, तो उनसे आप उम्मीद क्या करते हैं? राहुल गांधी सही बात कोई बोलते हैं क्या? और मैं हमेशा एक ही बात कहूंगा, राहुल गांधी को देश ने गंभीरता से लेना बंद कर दिया है, मैंने ही बंद कर दिया है, आप ले उनको। शुक्रिया, धन्यवाद। कुमार गौरव, न्यूज 24, दिल्ली।